नमस्कार, मैं प्रिया धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। विराट कोहली को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इंग्लैंड रवाना होने से पहले वो कोरोना की चपेट में आ गए थे। दरअसल आईपीएल के बाद कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ मालदीव छुट्टियां बिताने गए थे। वहां से लौटने के बाद वो इसकी चपेट में आ गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार कोहली अब इससे पूरी तरीके से उबर चुके हैं। एक सोर्स ने कहा है कि हां, विराट कोहली भी छुट्टियों से लौटने के बाद इस महामारी की चपेट में आ गए थे, मगर अब वो ठीक हो गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया। एनडीए की तरफ से किसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसके लिए चर्चा तो चल रही थी, पर मुर्मू के नाम की घोषणा होगी इसकी उम्मीद कई लोगों को थी नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना से संक्रमित हो गए। इससे पहले सूबे के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने बताया है कि उद्धव ठाकरे कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। भारत में साल 2027 के अंत तक 5G सब्सक्राइबर की संख्या बढ़कर 50 करोड़ हो सकती है। यह अनुमान स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन की एक रिपोर्ट में दिया गया है। यह संख्या देश के 39% मोबाइल ग्राहकों के बराबर है। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2022 की दूसरी छमाही में 5G नेटवर्क का कमर्शियल लॉन्च की योजना बनाई गई है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुयान शर्मा ने मंगलवार को सिविल जज कोर्ट कॉम रूम मेट्रो गुवाहाटी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का नागरिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अग्निपथ योजना को लेकर देशभर में मचे बवाल के बाद अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी सामने आए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अजीत डोभाल ने कहा है कि जो हम कल कर रहे थे, अगर वही भविष्य में भी करते रहे तो हम सुरक्षित रहेंगे, और ये जरूरी नहीं है। भारतीय शेयर बाजारों में दो दिन से जारी तेजी का सिलसिला आज भी थम गया। बुधवार 22 जून को बाजार खुलते ही भरा भर गिर गया। बाजार की शुरुआत के पहले आधे घंटे में सेंसेक्स 600 अंक टूट गया। वहीं निफ्टी भी 15,500 के स्तर को तोड़ते हुए करीब 180 अंक टूट गई। खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 598 अंकों की गिरावट के साथ 51,933.59 पर कारोबार कर रहा था। नुपुर शर्मा की जुबान काटने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करने वाले और उनके सबके सामने मुजरा करवाने की धमकी देने वाले भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तनवर को दिल्ली की एक कोर्ट से राहत मिल गई है। बिहार के भोजपुर जिले में यूजर ने मोबाइल कंपनी के ऊपर ही केस कर दिया है। यूजर अपने नुकसान की भरपाई की मांग मोबाइल कंपनी से कर रहा है। दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध के दौरान अफवाह फैलने से रोकने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के आदेश पर 72 घंटों की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, जिसके बाद अब ये ग्राहक 3 दिन अतिरिक्त इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। शिवसेना से बगावत कर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को संकट में डालने वाले 40 से ज्यादा विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं। इनकी अगुवाई मंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। हालांकि उद्धव सरकार के नेताओं की तरफ से शिंदे को मनाने की कोशिश जारी है, लेकिन पिक्चर अभी साफ नहीं हो पाई है कि शिवसेना का क्या होगा, उद्धव की कुर्सी कब तक बचेगी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान लेने वाले शूटर्स के सरगना प्रियव्रत फौजी ने पुलिस के साथ पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। स्पेशल सेल के सूत्रों ने जानकारी दी है कि सिद्धू को गोली मारने वाले शूटर और बुलेरो मॉड्यूल के हेड प्रियव्रत फौजी ने पूछताछ में बताया कि 27 मई को ही सिद्धू की जान चली जाती, लेकिन वो बच गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH प्रोफेसर लीग के 2 चरण के मुकाबले में शानदार शुरुआत की है। टीम इंडिया ने 2रे चरण के अपने पहले मैच से अमेरिका को 4-2 से पराजित कर दिया। अमेरिका की तरफ से भले डेनियल ग्रेगा ने 28वें मिनट में मैदानी गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई है, लेकिन भारत ने दीप ग्रेस एक्का, नवनीत कौर और सोनिका के 10 मिनट के अंदर 3 गोल की बदौलत जल्द ही 3-1 की बढ़त बना ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 26-27 जून को जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे और UAE के पूर्व राष्ट्रपति एवं अबूधाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर व्यक्तिगत श्रद्धांजलि देंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आशा की है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में मुक्त व्यापार समझौता दिवाली तक समाप्त हो जाएगा। मंत्री ने कहा है कि सरकार कनाडा, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने आगे बताया कि ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और खाड़ी सहयोग देश ने यूरेशिया और ब्राजील के साथ भारत के साथ FTA में रुचि व्यक्त की है। द्रौपदी मुर्मू को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों से लैस Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा की मंगलवार को संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। एक तरफ जहां यूक्रेन पर हमले को लेकर पश्चिमी देश रूस पर अपने प्रतिबंधों को कड़ा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत रूस से अपने व्यापारिक संबंधों को आए दिन बढ़ाते जा रहा है। भारतीय रेल उद्योग के अधिकारियों के अनुसार भारत सरकार ने देश की तेल कंपनियों से कहा है कि वो सस्ते रूसी तेल को भारी मात्रा में खरीदें।
भारत ने पुष्टि कर दी है कि 23 और 24 जून को चीन की राजधानी बीजिंग में प्रस्तावित ब्रिक्स के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। बीते लंबे समय से इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के ही ची मिहन सिटी से पार्टी सचिव महामहिम न्यूएन वान नेन से संसद भवन में भेंट की। इस मौके पर बिरला ने वान नेन का संसद भवन में स्वागत किया। अपनी वियतनाम यात्रा का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि हो ची मिहन सिटी वियतनाम की बढ़ती समृद्धि, आर्थिक सफलता, आधुनिकीकरण का प्रतीक है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आगामी बिग बैश लीग में विदेशी खिलाड़ियों के चयन के लिए बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पर ड्राफ्ट व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की। बीबीएल का नया सत्र दिसंबर में शुरू होगा, जिसके लिए ड्राफ्ट अगले कुछ महीने में तैयार किए जाने की संभावना है। भारत के गेहूं को सड़ा हुआ बताकर ठुकराने वाले तुर्की अब यूक्रेन से भारी छूट पर गेहूं खरीदने की कोशिश में है। तुर्की के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि तुर्की, यूक्रेन और रूस के बीच एक समझौता होगा, जिसके तहत तुर्की ने यूक्रेन के गेहूं पर 25% छूट की मांग की है। चीन वो देश है जो कभी भी किसी का भला नहीं चाहता, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है जो चीन के पैरों में गिरा रहना चाहता है। अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल है कि जिस चीन पर पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी चीन ने पाकिस्तान की लंका लगा दी। दरअसल हुआ ये कि चीन की तरफ से भेजा गया जहाज पाकिस्तान में चला ही नहीं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के 2022 के अंत तक हल्की मंदी की चपेट में आने की आशंका है। इसकी मुख्य वजह फेडरल रिजर्व द्वारा कीमतों को कम करने के लिए लगातार दरें बढ़ाना है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया के दो धरों में बांट दिया है, और इस युद्ध में पश्चिमी देश तो यूक्रेन के साथ दिखाई दे रहे हैं, वहीं चीन और बेलारूस जैसे देश रूस के साथ हैं। हालांकि इस पूरे युद्ध के दौरान भारत ऐसा देश है जिसके रुख किसी एक पक्ष में नहीं है, और इसी वजह से पश्चिमी देश में भारत के खिलाफ खासा नाराजगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को पाकिस्तान और चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अब किसी भी स्थिति में शांति के लिए गिड़गिड़ाएगा नहीं। पाकिस्तान के को कड़े शब्दों में डोभाल ने कहा है कि भारत सामान्य संबंधों के लिए उत्सुक है, लेकिन आतंकवाद के लिए सहनशीलता की सीमा बहुत कम है। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक डॉक्टर आरती प्रभाकर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है। डॉक्टर प्रभाकर व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रमुख बनाई गई है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस साल जुलाई के अंत तक नीलामी की प्रक्रिया हो जाएगी। स्पेक्ट्रम नीलामी में टेलीकॉम कंपनियों को अगले 20 साल के लिए 5G स्पेक्ट्रम मिलेगा। इससे टेलीकॉम कंपनियां 5G सर्विस को शुरू कर सकेगी। फ्रांस के संसदीय चुनाव में बहुमत से चूके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बहुमत का जुगाड़ करने के लिए विभिन्न दलों से चर्चा शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि उनकी मध्य मार्गी पार्टी संसदीय चुनाव में पूर्ण बहुमत पाने में विफल रही है। अपनी लुक ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ देखा नीति को सफल बनाने के उद्देश्य से भारत ने वियतनाम के साथ अपनी मित्रता और सामरिक संबंधों को समय के साथ और अधिक प्रगाढ़ किया है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा पूरी की। उनकी इस यात्रा को चीन की दक्षिण चीन सागर में बढ़ती आक्रामकता के बीच वियतनाम के साथ भारत के समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने और सामरिक संबंधों के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी फिल्म पुष्पा 2 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही है कि पुष्पा 2 में रश्मिका मंदाना के किरदार श्रीवल्ली की मौत हो जाएगी, और इन खबरों पर प्रोड्यूसर बॉय ने फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों के लिए लास्ट डेट में 5 दिन का समय और बचा है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in के जरिए 27 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड के जरिए ही आवेदन करना होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, प्रिया यादव ऑफिशियल, दिलीप राम, नुनू कुमार, सलीम भाई, मिथिलेश कुमार, सुदर्शन कुमार, साहिल कुमार, मृत्युंजय कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कोरोना के वर्तमान माहौल को देखते हुए क्या आप कोरोना से बचाव को लेकर नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।